वर्ष 2011 में फिल्म फोर्स आई थी, जिसमें लीड में जॉन अब्राहम और विद्युत जामवाल थे। हालांकि विद्युत जामवाल बिल्कुल नए थे, लेकिन उन्होंने फिल्म में अपनी एक्टिंग से सभी का दिल जीता था। इसके बाद उन्होंने कमांडो फ्रेंचाइजी में भी अपना नाम बनाया और एक्शन फिल्मों में फेमस हो गए। अब विद्युत अपनी अगली आने वाली फिल्म जंगली के लिए तैयार हैं। खबर मिली है कि फिल्म 19 अक्टूबर को रिलीज होने वाली थी, जो कि अब आगे बढ़ा दी गई है। इसकी रिलीज की देरी के बारे में बात करते हुए सूत्र ने बताया कि विद्युत की फिल्म जंगली को आगे बढ़ा दिया गया है और अब ये 19 अक्टूबर को रिलीज नहीं होगी। दरअसल इसका कारण यह है कि इसी दिन हॉलीवुड फिल्म मोगली भी रिलीज हो रही है, जिसकी वजह से दोनों फिल्मों में क्लैश हो जाएगा। इस दिलचस्प क्लैश को रोकने के लिए ही मेकर्स ने फिल्म की रिलीज आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। इसमें आश्चर्य वाली बात यह है कि जंगली के निर्देशक चक्र सेल जैसे भारी नाम शामिल है, जिन्होंने पहले हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर जैसे इरेजर, द स्कॉर्पियन किंग एंड द मास्क जैसी कई फिल्में दी हैं। ऐसे में एक और हॉलीवुड से टकराना इस बड़े नाम के लिए घबराने वाली बात नहीं होना चाहिए। हालांकि फिल्म के आगे बढ़ने का ऑफिशियल अनाउंसमेंट अब तक नहीं हुआ है, लेकिन विद्युत के फैंस उनकी अगली फिल्म का इंतजार तो कर ही रहे हैं।